18वीं लोकसभा के गठन और लगातार तीसरी बार भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के शपथ ग्रहण के बाद संसद का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने वाला है। यह सत्र 8 दिनों तक चलेगा। सत्र के तीसरे दिन यानी कि 26 जून को अध्यक्ष का चुनाव होना है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार नई लोकसभा के पहली बार शुरू होने से ठीक पहले अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, इसलिए राष्ट्रपति सबसे पहले नवनिर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाने के लिए आपको बता दें अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और 7 बार के बीजेपी के सांसद राधा मोहन सिंह को सदन की कार्रवाई चलाने के लिए अस्थाई अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किए जाने की संभावना है, क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ, सदन की बैठकों की अध्यक्षता और कार्रवाई व संचालन के लिए नियम व विधि का निर्वहन करते हैं। सदन में व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की होती है व निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई भी कर सकते हैं। अध्यक्ष ही लोकसभा के सदस्यों को बोलने की अनुमति देते हैं और समय निर्धारित करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष में राजनीतिक दलों व समूहों को मान्यता प्रदान करते हैं। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष की आज्ञा नहीं मानता है या सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करता है तो सदस्यता भी निलंबित कर सकते हैं। 92 दल बदल विरोधी संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका और भी शक्तिशाली बना दी गई है, जिसके तहत वह दल बदल कानून के अंतर्गत सदस्यों की सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं। अध्यक्ष के पास न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। किसी भी विषय में वोटिंग के मामले में अध्यक्ष की भूमिका बेहद बढ़ जाती है। अगर किसी भी बिल पर पक्ष और विपक्ष से बराबर संख्या में वोट पड़ता है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष भी अपना मत दे सकते हैं। अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी भी सदस्य को सभा परिसर में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण के बाद 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है। वहीं इस दौरान लोकसभा स्पीकर पद को लेकर खींचातानी मची हुई है। नए स्पीकर पद को लेकर एनडीए के घटक दलों में हलचल मची हुई है। बता दें कि 26 जून को स्पीकर पद को लेकर चुनाव होना है। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर पद के लिए टीडीपी की ओर से काफी दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि टीडीपी और जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। उन्होंने बताया है कि बीजेपी एनडीए की अगुवा है, ऐसे में हम उनके द्वारा नामित उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। वहीं इस बीच खबर सामने आ रही है कि विपक्ष ने भी उपाध्यक्ष पद की सरकार से डिमांड की है। दरअसल आमतौर पर उपाध्यक्ष पद विपक्ष के लिए ही होता है। भारत की संसदीय लोकतंत्र की परंपरा का तकाजा है कि 1952 से लेकर अब तक जो शासक दल है, रूलिंग पार्टी है, उसी का ही स्पीकर होता है, चूँकि संख्या नंबर भी उसी का ज़्यादा होता है। एनडीए चुनाव की हार की हताशा से अभी बाहर नहीं आया। टीडीपी अंदर खाने दबाव की राजनीति कर रही है। हालांकि बीजेपी और नरेंद्र मोदी के कड़े तेवर के आगे उनकी एक नहीं चल रही है। ऐसे में अगर वे स्पीकर पद के लिए अड़ती हैं, तो भाजपा डी पुरंदेश्वरी का नाम आगे कर सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें, पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश की बीजेपी की अध्यक्ष होने के साथ ही सीएम चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन है। इसके बाद टीडीपी के लिए विरोध करना आसान नहीं होगा। वहीं इस चुनाव से पहले विपक्ष बार बार इस बात पर जोर दे रहा है, एनडीए के सहयोगियों के पास लोकसभा अध्यक्ष का पद होना चाहिए। विपक्षी दल डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रहे हैं। अगर विपक्षी दल को यह पद नहीं मिलता है तो वह स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। अंतिम निर्णय संसद की बैठक से एक दिन पहले लिया जाएगा। उपाध्यक्ष पद का भी चुनाव होना तय है।
17वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद खाली था। इस बार लोकसभा को 10 साल बाद विपक्ष का नेता मिलने जा रहा है। स्पीकर के पद को लेकर टीडीपी ने ऐसी मांग रख दी है जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें कि एनडीए सरकार के लिए टीडीपी और जेडीयू का भी समर्थन बहुत ही जरूरी है। लोकसभा चुनाव में 240 सीटों के साथ बीजेपी बहुमत के आंकड़े 272 से दूर रह गई। टीडीपी को 16 सीटें मिली जबकि जेडीयू को 12 सीटें मिली हैं। फिलहाल टीडीपी ने स्पीकर की कुर्सी पर अपना दावा पेश करने के ऑप्शन को सिर से नकारा नहीं है। ऐसे में जेडीयू के रुख से बीजेपी की स्थिति थोड़ी मजबूत नजर आता है। जैसा कि तय है कि संसद का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो जाएगा। सत्र 8 दिनों तक चलेगा। सत्र के तीसरे दिन 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। विपक्षी दलों का समूह इंडिया इस बात पर जोर दे रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद एनडीए के सहयोगियों के पास होना चाहिए। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने कहा है कि गठबंधन में सभी दलों की सहमति से लोकसभा स्पीकर के लिए उम्मीदवार का चयन करना चाहिए। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।